हेलो नमस्ते सस्तीकाल, मैं हूं वन एंड ओनली आदित्य। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ ए अकोस्टिक ट्रीटमेंटेड वॉल लुक्स लाइक, मतलब एक स्टूडियो में जो अकोस्टिक ट्रीटेड वॉल होती है वो कैसी होती है। मतलब तो दिखाता हूं मैं आपको। तो ये जैसे आपको देखने में आ रहा है, इसमें डॉट होल्स हैं थोड़े थोड़े, दीवार तो है पहले और इसमें होल्स होते हैं। तो ऐसा पूरे स्टूडियो में ऐसा कराना होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे साउंड आ रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन होल्स के अंदर और वापस रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है साउंड सुनने के लिए और जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उस जगह। उसके अलावा भी पैनल्स, इसका स्टूडियो का भी काम चल रहा है तो इसमें पैनल्स भी लगने वाले हैं सारे, तो ताकि ये मॉनिटर वगैरह का जो साउंड है वो इसमें रिपीट होके नहीं आएगा। तो ऐसा होता है एक इसमें अकोस्टिक ट्रीटमेंट का थोड़ा सा काम और बाकी है। तो ये वॉल ऐसी होती है, एक अकोस्टिक ट्रीटेड जो वॉल होती है, ये सारा सेरेमिक डिपार्टमेंट वाला काम है। मतलब इसमें सारा सेरेमिक वाली चीज़ें हैं, जो टाइल्स वगैरह होती हैं, जो PPT, आई डोंट नो वो क्या होता है, बाकी आप नेट पर सर्च कर सकते हो और एक अकोस्टिक ट्रीटेड वॉल कैसी होती है। तो ये ज़रूरी होती है स्टूडियो में। अब क्वालिटी पे, क्वालिटी जो है इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि अपनी जो अकोस्टिक ट्रीटमेंट कैसा है, हम किस जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस जगह सुन रहे हैं, किस जगह मिक्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी सीख रहा हूँ और आपको बहुत जल्दी जल्दी टिप्स और भी देने वाला हूँ मैं। तो कोशिश करो कि अच्छा रिकॉर्ड करें, अच्छी जगह रिकॉर्ड करें, और अकोस्टिक ट्रीटेड नहीं भी है तो नॉइज़ कम से कम रखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य। आज मैंने फेस नहीं किया तो मैं कांच मिरर में हूँ ना, तो मिरर के उधर वाली चीज़ों का रिव्यू भी आने वाला है। सो कीप ब्लेसिंग, कीप सपोर्टिंग वन एंड ओनली आदित्य। और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो, उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। एक बार मेरा ऑफिशियल पेज है वन एंड ओनली आदित्य, उसको फॉलो जरूर कर दो। सो पीस।